नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी को मुकम्मल तरीके से लागू करने के लिए सरकार लगातार लोगों से भी अपील करती है। हालांकि पुलिस की जिम्मेवारी है, लेकिन साथ ही साथ आम लोगों की बड़ी जिम्मेवारी है कि ये जो शराबबंदी है उसे मुकम्मल तरीके से लागू करे, उसके लिए वो भी इसकी मॉनिटरिंग करे। तो एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां लोगों ने शराबबंदी के लिए अब कमर कस ली है। जी हाँ, कमर कस ली है और शराबबंदी को अब वो अपने स्तर से रोकेंगे। दरअसल पुलिस की नाकामयाबी के बहुत सारे मामले सामने आए थे पिछले दिनों। आपने जिस तरह से देखा, जहरीली शराब से मौत के भी मामले सामने आए थे। तो अब लोगों ने फैसला ले लिया है कि वो खुद शराबबंदी को रोकेंगे, इसके लिए वो खुद पहल करेंगे। भागलपुर की खबर आपको बताते हैं। भागलपुर में बैठक हुई है इसके लिए और कहा है कि शराबियों जुआरियों की अब खैर नहीं। हालांकि महिलाएं ऐसा कदम उठाती हैं और झाड़ू उड़ू लेकर निकल जाती हैं, लेकिन इस बार पुरुषों ने ये कदम उठाया। जी हाँ, आपको भागलपुर की खबर बताएं कि भागलपुर में अब लोगों ने कमेटी बनाई है और कमेटी की बैठक करके कह दिया है कि शराबियों और जुआरियों की खैर नहीं, अब वो नजर रखेंगे। एक बड़ी पहल की गई है भागलपुर में। आपको बताया कि भागलपुर शहर के वार्ड नंबर 8 में नाथनगर के उत्तर टोला मस्जिद के पास स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक कमेटी ने यह फैसला लिया है। एक बड़ा ही अनूठा फैसला जिसको कहा जाए, जिस तरह से लोग लगातार पुलिस को दोषी ठहराते रहे हैं। हालांकि आम लोगों की जवाबदेही जरूर बनती है, सरकार भी इस मामले में अपील करती रही है, सीएम नीतीश कुमार भी अपील करते रहे हैं कि आम लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले तो शराबबंदी को मुकम्मल तरीके से लागू किया जा सकता है। तो शायद अब इस अपील का असर देखने को मिल रहा है और भागलपुर से इसकी शुरुआत हुई है। भागलपुर के नाथनगर का हम आपको बता रहे हैं मामला, जहां बैठक की लोगों ने और ये फैसला लिया कि वो अपने तरीके से इस पर नजर रखेंगे। कोई अगर शराबबंदी को तोड़ता है, कोई अगर जुआ खेलता है, तो उस पर जो है वो पुलिस के बजाय पहले अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे, यानी उसकी धुनाई तय है, पिटाई तय है और नजर रखेंगे। यानी किसी ने कोई गलत करने की कोशिश की, शराब पीने की कोशिश की या फिर जुआ खेलने की कोशिश की, तो पहले उसे निपटना होगा कमेटी के सदस्यों से। जी हाँ, तो ये खबर आपको हम बता रहे हैं भागलपुर से। एक कमेटी जो बनाई गई है, समाज सुधार एकता नाम से ये कमेटी बनाई गई है, जिसमें लोगों ने बैठक में फैसला लिया है कि वो अपने स्तर से भी शराबियों और जुआरियों को रोकेंगे। एक बड़ी पहल सामने आई है, एक बड़ा ही दिलचस्प जिसको पहल कहा जाए कि बिहार के अंदर सामने आई है। जिस तरह से शराबबंदी पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, उस बीच जब जिस तरह से लोगों ने कमर कसी है, तो एक ये बड़ी पहल, अनोखी पहल, अनूठी पहल है। आपको बताया जो कमेटी के सदस्य हैं, जाबिर अंसारी ने बताया है कि इस क्षेत्र में जुआरी और शराबियों ने तंग कर रखा है। दरअसल शराबियों और जुआरियों ने इस इलाके में, जो ये नाथनगर का इलाका है, उत्तरी टोला मस्जिद के पास जो ये बैठक हुई है, तो उस इलाके के लोगों का कहना है कि यहाँ पर शराबियों और जुआरियों ने तंग कर रखा है इलाके में, और इस इलाके में हालात ये हो गए हैं कि घरों से महिलाओं का निकलना मुश्किल है, लड़कियों का निकलना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में अब लोग खुद ही कमान संभालेंगे, पुलिस पर शायद उन्हें भरोसा ना हो, क्योंकि जिस तरह से पुलिस की किरकिरी होती रही है इस मामले में। तो अब लोगों ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसे लोग अगर उन्हें मिल गए तो उनकी खैर नहीं। तो ये एक बड़ी पहल है, शराबबंदी वाले बिहार में शराबबंदी को मुकम्मल कराना है तो हम आपको भी सोचना होगा, हम लोगों को भी सड़क पर उतरना होगा और पहल करनी होगी। और इसकी पहल भागलपुर के नाथनगर से शुरू हो चुकी है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।